समेत पूरे देश में अग्निपथ योजना का जमकर विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में आज छात्र संगठनों ने बिहार बंद का ऐलान किया। आरजेडी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस बंद का भी समर्थन किया है। राज्य के कई जिलों में धारा 144 भी लागू है और इंटरनेट सेवाओं पर भी अब रोक लगा दी है। आज भी कई हिस्सों में प्रोटेस्ट की तैयारी चालू है और कोचिंग संस्थानों पर छात्रों को भड़काने का आरोप भी लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि देश भर में हो रहे प्रदर्शन के चलते कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। शुक्रवार को 234 ट्रेनें रद्द हो गई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी साकेत। साकेत, बताइए किस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है इस वक्त और कितना डैमेज हो चुका है? बिहार बंद को लेकर आज पटना में जिला प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था यहां पर सुरक्षा की जिला प्रशासन की तरफ से की गई है और बड़ी संख्या में फोर्स जो है वो पटना में अलग अलग जगहों पर उतारा गया है। ये डाक बंगला चौराहा है और यहां पर देखिए खुद डीएम साहब एसपी साहब सब मौजूद हैं, यहां पर मॉनिटर कर रहे हैं। एक बार बात करते हैं सर, क्या कुछ तैयारी है जिस तरह से पिछले तीन दिनों से ये विरोध प्रदर्शन दिख रहा है? हम लोगों ने सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर जो फोर्स मजिस्ट्रेट है उसका डेपुटेशन हम लोगों ने कर दिया है और सुबह से ही सभी पदाधिकारी भ्रमणशील हैं और अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ी मिली है उसके आधार पर उसको हम लोगों ने डिप्लॉय किया है। क्यूआरटी भी रखा है, जहां ज़रूरत पड़ेगी वो लोग मूव करेंगे। और हम लोगों की अपील है आपके माध्यम से कि जो भी धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन है उसको शांतिपूर्ण ढंग से करें, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लें और किसी प्रकार का तोड़फोड़ या हिंसक गतिविधि में शामिल नहीं हो, क्योंकि जो लोग असामाजिक तत्व उपद्रवी तत्व हिंसक गतिविधि में शामिल हो रहे हैं उनके विरुद्ध हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। कल जो घटना हुई है दानापुर रेलवे स्टेशन पर, उसमें हम लोगों ने वीडियो फुटेज के आधार पर अभी तक 170 लोगों की पहचान कर लिया है और उन पर नामजद FIR हम लोगों ने दर्ज किया है और बाकी उसमें से 46 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। शेष लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और शेष लोगों की पहचान भी हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियो फुटेज हम लोगों के पास हैं। तो हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे अगर कोई इस प्रकार का तोड़फोड़ हिंसक गतिविधि करता है और अपील यही है कि शांतिपूर्ण ढंग से जो भी विरोध प्रदर्शन है उसको आप लोग करें। जो दिख रहा है सर कि कई व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है, लड़कों को, छात्रों को, और वीडियो भी कई कोचिंग संस्थान के सामने आया है, तो क्या ऐसी चीज़ों को चिन्हित किया जा रहा है प्रशासन की तरफ? बिल्कुल, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके मोबाइल से हम लोगों को बहुत सारी सूचनाएँ मिली हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी मिली है और कुछ कोचिंग संस्थानों की भी भूमिका इसमें पाई गई है जिनका वीडियो फुटेज और सब उनके व्हाट्सएप ग्रुप में पाया गया है। उसके आधार पर भी हम लोग लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और सत्यापन करा रहे हैं। कोचिंग संस्थानों की भूमिका इसमें पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध भी हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे प्राथमिकी दर्ज करते हुए। रेलवे के एग्जामिनेशन के दौरान भी इस तरह की चीज़ें दिखी थी जिसमें कोचिंग संस्थान सीधे तौर पर इन्वॉल्व थे, तो क्या इस बार भी ऐसी कार्रवाई की उम्मीद की जाए? हाँ नहीं, बिल्कुल की जाएगी और बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं और जो हम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और ये फुटेज मिले हैं, वीडियो फुटेज मिले हैं, उसमें कुछ कोचिंग संस्थानों की सीधे सीधे भूमिका पाई गई है, उनका भी FIR में हम लोग नाम डाल रहे हैं, उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। और जो रेलवे के एग्जाम के दौरान हुआ था उसमें हम ये बताना चाहेंगे विशेषकर छात्रों को कि एक बार अगर प्राथमिकी दर्ज हो जाएगी, कोई कार्रवाई आप पर हो जाएगी, फिर सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलने वाली है। पिछली बार की जो घटना थी, अभी 4 लोग अरेस्ट करके जो भेजे गए थे अभी तक जमानत नहीं हुई है, जेल में हैं वो लोग। कोचिंग संस्थान जिनकी भूमिका थी उन पर भी कार्रवाई हुई है, उसके बाद फिर करियर आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए विरोध प्रदर्शन जो भी करें शांतिपूर्ण ढंग से करें, किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि में शामिल नहीं हों, आगजनी या अन्य प्रकार की तोड़फोड़ नहीं करें। बिल्कुल, तो पटना के DM यहाँ पर चंद्रशेखर सिंह मौजूद थे जिन्होंने साफ तौर से कहा कि इस बार एक एक चीज़ों को चिन्हित किया जा रहा है, जो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो छात्रों को मोबिलाइज किया जाएगा उसको भी, उस पर भी सरकार की नज़र है, प्रशासन की नज़र है, उस पर भी कार्रवाई होगी। और यहाँ पर देखिए किस तरह से पुलिस छावनी में ये तब्दील है पूरा इलाका, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो चूँकि बंद का जो आज आह्वान किया गया है उसमें कई राजनीतिक पार्टियों ने भी अपना सहयोग दिया है, तो ऐसे में कोई अनहोनी ना हो, किसी तरह की घटना ना हो, इसको लेकर प्रशासन जो है वो चौकस है और उस पर कार्रवाई की बात की जा रही है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर जिस तरह से छात्रों ने पिछले तीन दिनों से बिहार को जला कर रखा है, क्या एक बार फिर से वैसी स्थिति बनती है या फिर छात्र इस चीज़ को समझेंगे कि अब उनके हित में जो चीज़ है उसको वो ध्यान में रखे, ना कि इस तरह से आंदोलन के मूड में आए और जो सरकारी संपत्ति है उसके साथ खिलवाड़ करे।